और आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा लोधी राजपूत, मैं कलाल क्रिया निवासी हूँ। मेरे साथ पुलिस द्वारा मारपीट करी गई है, जिसमें बेरहमी से पीटा गया। नहीं, इन्होंने मेरे से थुकवाया है, बोला है कि चाटे से। अब मैंने नहीं चाटा तो इसके लिए और मारा है, मेरे को और पीटा है। जय श्री राम, जय माँ भवानी। साथियों, हाल ही में दो घटनाएं ऐसी घटी है जिन्होंने पूरे लोधी राजपूत समाज को अंदर से झकझोर दिया है। साथियों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आगरा की घटना, जहां पर एक दरोगा आकाश यादव ने एक लोधी राजपूत कृष्णा को बहुत बुरी तरीके से पीटा, थुकवाया और उससे थूक चटवाया। बहुत सारी ऐसी चीजें की गई, और केवल इसलिए की गई क्योंकि वह सत्ताधारी पार्टी भाजपा का कार्यकर्ता था। साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करता हूं। साथियों, मैं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए यहां वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब वो चमन चूजे बिल्कुल शांत बैठे हैं जो बीजेपी पर उंगलियां उठाते थे और लोधियों के एथेसी बनते थे। आज जब एक लोधी राजपूत जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है, उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया समाजवादी पार्टी के एक गुंडे दरोगा ने, और साथ में उसे उल्टा सीधा कहा गया और उसे बुरी तरह से पीटा, थूक चटवाया। आज कुछ चमन चूजे और ठेकेदार बस इसलिए चुप है क्योंकि वह बंदा भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखता है, और दूसरा कुछ चमन चूजे इसलिए चुप है क्योंकि उनका जो बाप है वो यादव है। अब यादव के खिलाफ तो ये बोलेंगे नहीं क्योंकि इन्होंने ओबीसी एकता निभानी है, और जहां इनको ओबीसी एकता निभानी होती है वहां पर ये एक लोधी को पिटवा सकते हैं, उसे कुटवा सकते हैं, थूक चटवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भैया। ये इनकी मानसिकता को उजागर करता है। मैं आज कलाल केरिया के अपने भाई यशपाल सिंह को तहदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को बहुत मजबूती के साथ उठाया। पुराने समय में यशपाल राजपूत के साथ में हमारे विचार नहीं मिलते थे, कुछ चीजों को लेकर के हमारा शुरू से मतभेद रहा है, लेकिन वो एक अलग मैटर है। विचार मतभेद होना एक अलग है, लेकिन जहां अपने समाज को जरूरत है वहां पर हम दोनों भाई हैं और दोनों मिलकर के लड़ेंगे। और यशपाल राजपूत ने बहुत बखूबी से यहां पर अपना किरदार निभाया, और एक लोधी होने के नाते उन्होंने उस पूरे प्रकरण को मजबूती से उठाया, और आज परिणाम यह है कि दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ में क्राइम ब्रांच के हाथों में यह पूरा केस चला गया है। सभी लोधी राजपूत भाइयों को ज्यादा से ज्यादा यशपाल राजपूत की तरह अपने अपने क्षेत्र में जहां यह घटना घट रही है मजबूती से आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम खामोश हैं तब तक सामने वाला हमारा उत्पीड़न करता ही रहेगा। दूसरा, हम बात करते हैं साहब सिंह गुज्जर जो कि एक विधायक है, इसके पास में कुछ महिलाएं अपनी शिकायत लेकर के गई थी और वहां पर इन महिलाओं ने इसको शिकायत की तो इसने बुरी तरह से उनको फटकार दिया और भगा दिया। जब ये महिलाएं साइड में खड़े होकर के बात करने लगी कि ये किस तरीके से बात कर रहा है, जब वोट मांगने आया था तो ऐसे बात नहीं करता था, ये बात उसने सुन ली और इसी बात पर वो गुस्सा हो गया और इन महिलाओं में से एक मुन्नी लोधी को लिटा लिटा करके पीटा, बहुत बुरी तरीके से पीटा। यहां पर अब बात आती है फेमिनिज्म की, तो भैया जो फेमिनिज्म के चमन चूजे थे जो कहते हैं कि स्त्रियों को बचाना चाहिए, अब वो लोग कहां हैं? वो लोग आवाज उठाइए भैया। और साथ में भैया, ये बंदा गुज्जर है तो इसका मतलब ये नहीं कि ओबीसी एकता जिंदाबाद रहेगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ ओबीसी संगठन ऐसे चल रहे हैं जो हमेशा ये देखते हैं कि कब ब्राह्मण, कब ठाकुर, कब बनिया, ये लोग कब लोधी राजपूत समाज से कुछ कहें।